हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 22 देखते हैं। चैप्टर है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये कहता है एक डायग्राम दे रखा है जो कि पोटेंशियोमीटर है और जिसके पास 2 वोल्ट का सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके पास 0.4 ओम का। मतलब बच्चों, ये आपके पास ड्राइवर सेल है, राइट। हमेशा बड़ी बनाते हैं इसको, तो इसको ई ऑफ डी कर लो। और ये इसका स्मॉल सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो इसका खुद का है, ठीक है। फिर कहता है एक स्टैंडर्ड सेल को लेकर आए टू विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट। वेरी मॉडरेट करंट है इसका, मिली एम्पियर्स में छोटी वैल्यू होगी। और इसको लगाने पे, यहाँ पे है ना, लेट्स से आप ई1 को लेकर आए और इसको लगाने पे आपको जो बैलेंस पॉइंट है वो मिला है 67.3। मतलब इसके करिस्पॉन्डिंगली आपको कुछ आंसर मिल गया है जिसको अपन बोल देंगे L1, राइट। फिर कहता है टू इंश्योर वेरी लो करंट इन द सर्किट ड्रॉन। एक बहुत बड़ी है ना, ये सेफ्टी सर्किट होती है। अपन लैब एक्सपेरिमेंट में सीखते हैं कि पहले तो इसको ओपन करके नल पॉइंट निकाला जाए, राइट। और नल पॉइंट आ जाता है तो फिर इसको क्लोज कर देते हैं और फिर थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होता है वो देख लेते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट कि इसको पहले ओपन करके इसलिए रखते हैं कि अगर ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा ना तो इस पूरी ब्रांच में ना जो करंट रहेगा, मतलब IG का टर्म, वो लो रहेगा। और गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ मिली एम्पियर की रेटिंग का बनाया जाता है। अगर मान लो ये नया नहीं रहेगा और आपने इसको बहुत ही क्रॉस कहीं टच कर दिया, मतलब नल पॉइंट से बहुत दूर कहीं इसको अगर आपने स्लाइडर को कॉन्टैक्ट दे दिया, तो बच्चों यहाँ से बहुत लार्ज करंट जाने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। टू मेक श्योर IG कम रहे इसलिए अपन ये यूज़ करते हैं। नल पॉइंट आने के बाद शॉर्ट कर देंगे तो देखो ना, फिर से आपकी शॉर्ट सर्किट तो बनी रही है, इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा फिर। तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो EMF का ही मिलेगा और वही अपन को दिया हुआ है 1.02, ठीक है। फिर कहता है 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस पुट किया गया है जिसको शॉर्ट कर देते हैं अपन बैलेंस पॉइंट के नज़दीक आते आते, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड सेल है ना, एक और सेल लेकर आए जिसपे अननोन EMF रहेगा, उसको बोल देंगे E2, जिसकी वैल्यू इसने यहाँ पे छोटे वाले E से बताई है। और उस पर बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है 83। मतलब बच्चों यहाँ पे एक L2 का टर्म मिलेगा जो कि इसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ कहीं मिलने लगा मान लो, बैलेंसिंग पॉइंट है ना ऑफ द वायर। आपको बताना है E कितना होगा। तो पोटेंशियोमीटर के चैप्टर में हमें पता होता है कि जो लॉजिक चलता है वो होता है बड़ा वाला E है ना, ये बराबर हो जाएगा आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, विच सेज दैट EMF सिर्फ लेंथ का फंक्शन हो जाता है बच्चों। तो आपको अगर दो कंडीशन दे रखी हैं कि E1/E2 which should be L1/L2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो E1 कितना है बच्चों, 1.02 का टर्म है और इसको अपन ने स्मॉल e बताया है, ये देखो अननोन। तो 1.02 के रिस्पेक्ट में क्या आंसर मिल रहा था, अगर अपन क्वेश्चन को देखें तो ये मिल रहा है अपन को 67.3 सेंटीमीटर और इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है 82.3 सेंटीमीटर। कैंसिलेशन कर लेते हैं तो E का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाय 82.3 होल डिवाइड बाय 67.3। अपॉन कैलकुलेशन आपको इसका टर्म मिलेगा 1.24 वोल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस सर्व, इतना बड़ा रेजिस्टेंस, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था आपको। अभी आप बोल दो टू एंश्योर, ठीक है, टू एंश्योर लो करंट है ना, लो करंट इन द बॉटम सर्किट, मतलब आपका IG का टर्म लो होना चाहिए इसलिए इसको यहाँ लगाते हैं। अदरवाइज मान लो ऐसा ज्यूम करके देखो ना, आपने नल पॉइंट के दूर कहीं इसको टच कर दिया तो बच्चों ये तो करंट तो रिलीज करेगा ना, आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है वो तो किसी भी डायरेक्शन में भागेगा ना ये तो। तो आपको ये ध्यान रखना है टू एंश्योर द लो रीडिंग ऑफ IG, और बेसिकली ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेफ्टी के पर्पज से कि आपका ये खराब ना हो जाए गैल्वेनोमीटर। इसको लगाते हैं और फिर जब नल पॉइंट आ जाता है तो फिर इसको अपन शॉर्ट कर देते हैं तो इसका एग्जिस्टेंस यहाँ से ख़त्म हो जाता है और आपको मिलता है EMF ही है बच्चों, ठीक है। ये लैब में आपको पूछा जाता है कि कैसे इसको सेफ्टी और इंक्रीज कर सकते हैं, तो आंसर होगा सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के हम इसकी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस यही सब पर्पस सर्व कर रहा है कि आपका IG का टर्म क्या होगा, कम। ओके, आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है कि बैलेंस पॉइंट क्या अफेक्ट होगा आपके हाई रेजिस्टेंस से। तो बच्चों ये हाई रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे IG को ना कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बार जब नल पॉइंट के आसपास अपनी रीडिंग्स यहाँ पे मिलने लगती है ना, अपन जब चेक करते हैं तो आसपास जब आने लगता है तो इसको अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो व्हेन वी आर क्लोज टू नल पॉइंट है ना, क्लोज टू
नल पॉइंट, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है आर ऑफ हाई इज शॉर्टेड, और शॉर्ट करने का मतलब है ये बंद हो जाएगा और फिर आपका ये जो सर्किट का पाथ है अपर वाला काउंट होना शुरू होगा। उस केस में अगर आई का टर्म जीरो मिलता है तो नल पॉइंट नॉट अफेक्ट होगा, तो स्ट्रेट आंसर नो होगा और आप बोलेंगे नॉट अफेक्टेड, बिकॉज अपन तो उसको शॉर्ट कर दे रहे हैं ना बच्चों। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। तो यहाँ पे बच्चों आप अच्छे से देखो कि यहाँ पे ड्राइवर सेल का टर्म है वो है 2 वोल्ट और उसका छोटा वाला आर है वो क्या है 0.4 ओम। तो अगर यहाँ से मुझे एक ड्राइवर करंट चाहिए होगा तो आई का टर्म क्या होता है, उस अपर सर्किट की बात कर रहे हैं अभी, नल पॉइंट वगैरह भूल जाइए आप। तो ये हो जाएगा नेट ईएमएफ, तो वो हो जाएगा ड्राइवर, अज्यूम कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि खुद का इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा राइट, तो उसको लेट से कैपिटल आर कर लेते तो ये हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। अब क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज किया, तो आप इसको तो वेरी कर रहे हो ना, तो करंट यहाँ पे वेरी मिलेगा और करंट वेरी होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बदलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंजेस, इसको छोटा वाला के बोलते थे, और किसी भी ईएमएफ को फिर आप नल पॉइंट से यहाँ पे जस्टिफाई कराओगे तो उसके फॉर्मूले में ही आ जाता है बच्चों के टाइम्स ऑफ एल। तो अगर इसमें चेंज मिला है तो आपको नल पॉइंट में भी चेंज तो मिलेगा ही मिलेगा लेंथ में, लेट से अगर ज़्यादा हुआ है तो ये कम हो जाएगा क्योंकि ईएमएफ का टर्म तो अपन को मिलना है। तो आंसर होगा यस, नल बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट में बोल रहा हूँ इसको, बैलेंस पॉइंट का जो पोजिशन है ये बच्चों चेंज होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा और फॉर्मूले में ड्राइवर सेल चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर स्मॉल आर का टर्म बदला आपने तो आई बदलेगा, इन दोनों एंड पे पोटेंशियल का ड्रॉप बदलते जाएंगे जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा, उसकी वजह से आपको जो बैलेंसिंग लेंथ है उसमें थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, वुड द मेथड, ये जो कंडीशन बना रखी है, वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर EMF instead of 2। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में जो ड्राइवर का EMF है वो 2 वोल्ट नहीं रख करके, अब वो कह रहा है कि ड्राइवर को अगर अपन मान लो 1 वोल्ट बनाते हैं, तो बच्चों आप देखो E1 का टर्म है हमारे पास 1.02 वोल्ट और आपने छोटा वाला E मतलब उसको E2 बोला था, उसको फाइंड भी किया तो 1.24 वोल्ट आया। हम लैब में जाते हैं तो पहली बात ये हमें बताई जाती है कि हमेशा ड्राइवर की सेल का जो EMF ज़्यादा होना चाहिए, तो EMF of driver is always greater than the EMF of the standard or the testing cell, right? Otherwise जो null point है ना वो इसके range में बैठेगा ही नहीं, वो आगे कहीं मिलेगा, जो physically impossible है और practically तो impossible बात है ही है। तो यहाँ पे answer हो जाएगा no, it will not work, और precise answer लिखना है तो ये हो जाएगा जो balance point है हमारा, balance point है ना, will not lie on potentiometer bench, वहां पे आएगा ही नहीं वो तो, राइट। इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों कि would the circuit work well for determining an extremely small EMF say in the order of few millivolt। तो ये कहता है कि जो टेस्ट करने के लिए आप बैटरी को लेकर आए हो ना, जैसे स्टैंडर्ड सेल हो गया या लैब में बना हुआ कोई भी सेल, तो इसका जो ऑर्डर है वो कहता है मिली वोल्ट में, और यहाँ देखो बच्चों वोल्ट का टर्म है तो बहुत ज़्यादा इसे कंपेयर में कम वैल्यू है, तो मैं ऐसा कह देता हूँ कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई आपकी ड्राइवर के। ऐसे केस में क्या इसको कंपेयर करोगे तो काम करेगा? तो ऐसा एक टिपिकल सिनेरियो बनता है थर्मोकपल्स में, और अगर नहीं तो हाउ विल यू मॉडिफाई इट, तो सॉल्यूशंस में आप इस तरह बताओगे बच्चों फर्स्ट सेक्शन के हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा नो, देर विल बी वेरी लार्ज एरर इन मेजरमेंट। इसका एक कॉन्सेप्ट अपन अभी डिस्कशन में लेते हैं बच्चों। देखो आपके पास यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डिसाइड हो गया होगा बच्चों, जो क्या होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, पूरा लेंथ है इसका एल। अब आपके पास ये खुद मिली वोल्ट में है, तो ये जब जस्टिफाई करने के लिए आएगा बैलेंस पॉइंट लेने, तो ये बहुत ही नज़दीक यहाँ बनेगा राइट, और इतने स्मॉल मेजरमेंट्स को आप मेजर नहीं कर पाओगे बिकॉज इन दोनों का जो ऑर्डर है वो 10^3 का ऑर्डर है, आप बात समझो इसको, और स्केल 10^-2 के बाद नहीं मेजर करता है जनरल स्केल जो इसकी बेंच पे होता है। तो यहाँ पे अपन को आंसर मिल जाएगा देर विल बी लॉट ऑफ एरर्स,
अगर आप कुछ भी रीडिंग लेके भी करते हो तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस बनने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सॉल्यूशन के लिए अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, हाउ विल यू मॉडिफाई इट। तो इसके पास लिख देता हूँ व्हाट विल बी द मॉडिफिकेशन। हम क्या करेंगे बच्चों, जो अपर 2 वोल्ट का बैटरी दिख रहा है आपको ड्राइवर वाला, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे सूटेबल वैल्यू का। तो ये ड्राइवर हो जाएगा, उसको अपन कह देंगे 2 वोल्ट और ये आर। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पे इस तरह के आर पे बनेगा। ऐसे करने का मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना उसको कम किया जा सके, ताकि नीचे जो आपने बैटरी लगाई है गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो एक फेयरली लार्ज डिस्टेंस पर जाके अपना बैलेंस पॉइंट बना सके। राइट, अब लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है और आंसर यहाँ पे मिलीमीटर्स में आ रहा है, तो आपका हमेशा ही आंसर बहुत सारे एरर से भरा होगा। तो हम इस ईएमएफ का, इस ड्राइवर सेल का मैक्सिमम पार्ट तो यहीं पे ड्रॉप करा देंगे, तो वी ऑफ आर कर लेते हैं, और स्मॉल पार्ट इस पूरे लेंथ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो भी बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो लिखता हूँ करंट थ्रू वायर, ठीक है, करंट थ्रू वायर विल बी स्मॉल, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लाइन। फिर दूसरी, उसके रिजल्ट से आपको जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है ना बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी स्मॉल मिलने लग जाएगा, और फिर आप जब रीडिंग्स लोगे तो आपको फेयरली लार्ज है ना, फेयरली लार्ज बैलेंस पॉइंट मिलेंगे। तो दिस इज हाउ वी मॉडिफाई द सिचुएशन, जब आपके पास यहाँ बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी हो और आप जो टेस्ट बैटरी ला रहे हो वो मिली वोल्ट वाली हो। तो कुछ नहीं करना है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे खा लेना है अपन को एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के, और बहुत ज़्यादा भी नहीं अज्यूम करना है, एक फेयरली सूटेबल वैल्यू तक अपन यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये अभी भी इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। राइट, तो ऐसी बातें अपन को ध्यान में रख करके लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स।